आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है फर्स्ट रेट फैमिली। वो कुटुंब हम जिनको एक्सेलेंट कह सकते हैं, फर्स्ट रेट दैट मीन्स एक्सेलेंट। कौन सा परिवार एक्सेलेंट हो सकता है? जिस परिवार के पास छह चीज होती है वो निश्चित तौर से एक्सेलेंट बन सकता है। मेरा भी परिवार है, मेरे शिष्य मेरे परिवार है, श्री संघ भी परिवार हो सकता है। मेरा हृदय जैसे जैसे स्प्रेड होता चलता है ऐसा मेरा परिवार बढ़ते चलता है। आज वो परिवार की बात नहीं करूंगा, मगर एक छोटा सा परिवार जिसको लेकर के हम घर में रहते हैं, करीबन करीबन संपर्क सहवास सानिध्य नहीं मगर संबंध। संपर्क तो चलते फिरते कई लोगों का होता है, सहवास भी होता है, सानिध्य भी हो जाता है, मगर एक संबंध। यदि हम लॉन्ग टाइम इस परिवार को एक्सेलेंट बनाना चाहते तो शुरुआत हम कहाँ से करें, इनकी बात आपके सामने आज प्रवचन के माध्यम से रखना चाहूँगा। नंबर वन, फिनिश फाइट्स। सबसे पहली बात है फिनिश फाइट्स। पति और पत्नी के बीच में, भाई और भाभी के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बेटी के बीच में निश्चित तौर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही रहेगा और उनको लेकर के तनाव पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है। वो जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म करो, यह एक्सेलेंट परिवार की सबसे पहली निशानी है। एक बार आप चेक कर लेना, करीबन करीबन परिवार में संघर्ष यदि होता है तो तीन कारण मुख्य हो सकता है। नंबर एक संपत्ति, नंबर दो शक्ति और नंबर तीन शब्द। एकदम गंभीरता से सोच लेना, आप जो भी परिवार में लेकर के बैठे वो परिवार में शायद यदि आपके भाई के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ कहीं आपकी नहीं बनती है तो करीबन करीबन तीन चीज़ केंद्र में होगी, या तो संपत्ति, या तो शक्ति, या तो शब्द प्रयोग। दुर्योधन के सामने द्रौपदी ने शब्द प्रयोग गलत कर दिया था। अंधे के बेटे अंधे होते हैं और ये माहौल ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। अयोध्या में मंथरा के शब्द ने बात बिगाड़ दी थी। आपका बेटा भरत हो, राम को गद्दी मिले, वो कैसे चल सकता है? कैकेयी के कान में ये जहर डाला गया और कैकेयी के मन में बात बैठ गई और बात तबाह हो गई। रामायण और महाभारत के केंद्र में आप सोच भी नहीं सकते, शब्द हो सकता है। अनेक बात तुमने कही दो, परिवार तुमने कही दो, जे मानस तुम्हारा संबंध ने नहीं समझी सकते ये तुम्हारा शब्दों ने शू समझवानो, परिवार कही दो। तमें लाख खुलासा तुम्हारा शब्दों दी तुम्हारा बेटा सामे करशो, पर पिता ने पुत्रना संबंध नीचे ने पड़ी नहीं, पति ने पत्नीना संबंध नीचे ने पड़ी नहीं, माँ बापना संबंध नीचे ने पड़ी नहीं, ये शब्द थी कितनों समझी सकते? लाख रुपया प्रश्न है। फिनिश लाइन, फिनिश फाइट आपको लगे, और रिपीट करूं, गलती किसकी ओर से वो मत सोचो, मैं जिम्मेदार हूं, जल्दी समाप्त कर दूंगा। सामने वाले की गलती अपने कंधे पे लेने में कोई अभिमान को बीच में मत लाना। गलती मेरे बेटे ने की थी, गलती को मैं स्वीकार कर लूं? अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारा है, एक बार गलती को स्वीकार कर लो। बेटे को बोल दो, बेटा मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दे, बात ख़त्म कर दो। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहूँगा, फरीमार कहूँ, आज ये पण तुमने गंभीर बात कहूँ जो पोतानो होय एज पथारी फिरवे, जे पोतानो होय ने एज पथारी फिरवे। बाकी पारका ने थोड़ी खबर हुई कि आपड़ी पथारी क्या पाथरी है। पोतानो होय एज पथारी फिरवे,
बाकी पारका ने थोड़ी खबर है कि आप पथारी क्या पाथरी है। माने आप बोलो मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ आ गया, आप बोलो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ, आप बोलो मेरे बापी मेरे खिलाफ, नज़दीक वाले ही तो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मैं बड़े प्यार से आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितनी हो सके फिनिट फाइस। आपको फिर से कहूँ, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, संसार तुम्हारा कुछ भी कहता है, मगर स्वजन संबंध के क्षेत्र में एक बात निश्चित तौर से समझना, सच्चे को ही झुकना पड़ता है, झूठा कभी झुकता नहीं। ये यूनिवर्सल टूल समझ लेना। आप यदि समाधान करना चाहते हो और परिवार को बचाना चाहते हो तो आप ये मत सोचना कि मैं गुरुदेव सही हूँ फिर भी मुझे लेट गो करना है। सही को ही लेट गो करना पड़ता है, झूठा कभी लेट गो करता नहीं, करना चाहता भी नहीं। माने यदि तुमने लड़ाई चालू रखी तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तुम्हारी है, क्योंकि तुमने ईगो को मुख्य रखा, रिलेशन को मुख्य नहीं रखा। मैं सच्चा हूँ वो ईगो है, और मुझे संबंध बचाना है वो रिलेशन है। आप एक बात तय कर लो, ईगो को संभालना है कि रिलेशन को संभालना है। और यदि आप चाहते हो कि गुरुदेव रिलेशन को संभालना है, यू हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज नेचर। आप बोलो गुरुदेव झुक जाता हूँ, 100% में सच्चा होने के बाद भी गुरुदेव परिवार को मुझे बचाना है इसलिए मैं झुक जाता हूँ, आपके पास ये ताकत हो। मैं ये नहीं कहूँगा शिष्य भी गुरु के सामने झुकता है तो कभी गुरु को भी शिष्य के सामने झुकना चाहिए। बेटा ही बाप के सामने झुकेगा, कभी बाप भी तो बेटे के सामने झुक जाएगा। बहू ही सासू के सामने झुकती नहीं, कभी सास भी बहू के सामने झुकनी चाहिए। बहन माफ़ करना, मेरी भी गलती हो गई, समझ में नहीं था, मैं नशे में थी इसलिए मेरे से कुछ गलती हो गई। बहन मुझे माफ़ करना, मैं बसक देता हूँ। बम्बई में मैंने एक ऐसी सास देखी थी जो अपनी बहू की बात करते करते उनकी आँख में हर्ष के आंसू दे। गुरुदेव आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, सुबह उठने के बाद सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करती हूँ, इनके बाद में मेरी बहू का दर्शन करती हूँ। एक सास ये बोल सकती है मेरी बहू का दर्शन, माने वो क्या मानती होगी बहू को। मगर सबसे बड़ी बात है फिनिट द फाइट। आप एक बार आपकी ओर से याद करना, और मैं बताऊं, लड़ाई दो से शुरू होती है मगर एक से समाप्त होती है। मान लिया लड़ाई दो से शुरू होती होगी मगर समाप्त करने की जिम्मेदारी आपकी अकेली की है। आप यदि कॉम्प्रोमाइज नेचर लेकर के बैठे हो, 100% समाधान हो पाएगा। और रिपीट करूं, आपके झुकने के बाद सामने वाला नहीं भी झुकेगा फिर भी आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी। आपको अंदर से होगा मेरे से हो सके वो सब कुछ कर दिया, अब नियति पे छोड़ दो। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप परिवार को बचाना चाहते हो, ईगो को बचाना चाहते हो, एक बार चेक कर लेना। आप परिवार को बचाना चाहते हो कि ईगो को बचाना चाहते हो तो चेक कर लेना। और जिस दिन आपको लगेगा मेरे परिवार को मुझे बचाना है, तब हर जगह सही होने के बाद आपको ही तो झुकना पड़ेगा। नंबर वन फिनिश फाइट्स। मैंने बहु गमतु दृष्टांत जो मैंने गुजराती भाषा में जो पुस्तक सास बहू का लिखा था, चेर जारे नितरी जाए छे, बहुत प्यारा दृष्टांत मुझे हर जगह है। और वो दृष्टांत को आंखों के सामने रखने के बाद मैंने भी मेरे परिवार को संभालने के लिए बचाने की हर संभव प्रयास किया है। परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से काफ़ी सफल बना हूँ। वो एग्जाम्पल देने के बाद सेकंड स्टेप की बात आज आपके सामने करूँगा। लोहे का टुकड़ा और सोने का टुकड़ा, लोखंड ने मारे ने हथौड़ो कहवाए, सोना ने मारे ने हथौड़ी कहवाए। सोना ने हथौड़ो न लगे हथौड़ी लगे, अने लोखंड ने हथौड़ी थी न मराए हथौड़ा थी मराए। और एक दिन ऐसा हो गया कि सोने को जो मारता था ना, और ऐसे ऐसे कोने में हथौड़ी लग गई और सोने का टुकड़ा उछला, जहाँ लोहा था वहाँ जाके गिर गया लोहे की भट्टी के पास। और वो लोहे का टुकड़ा उठ कर सोने के पास चला गया। तब सोने ने पूछा कि दोस्त एक बात बता पाएगा, मेरी और तेरी नियति में मार खाना पक्का है, मने पण मारे छे ने तने पण मारे छे। सोनू लोखंड ने एटलू ज कहे छे, हूँ ने तू बन्ने निर्दोष होवा छता मने सोनी मारे छे तने लोहार मारे छे।
પણ મારે તને ખાલી એટલું જ પૂછવું છે, આગ મેં મેં ભી હું, આગ મેં તું ભી હે, માર તું ભી ખાતા હે, મેં ભી ખાતા હું, મગર સિર્ફ ઇતના હી પૂછના ચાહતા હું, મેં માર ખાને કે બાદ કરીબન કરીબન અવાજ બિલકુલ નહીં કરતા હું, તેરા અવાજ બહોત આતા હે, હમારી નિયતિ માર ખાને કી હૈ, ફિર ઇતની ચિલ્લાને કી જરૂર ક્યા હૈ, લોહે કી આંખ મેં આંસુ આ ગયે, સોને કો કહા કી બાત તો તેરી સહી હૈ, માર ખાના મેરી ઓર તેરી નિયતિ હૈ, આગ મેં જાના મેરી ઓર તેરી નિયતિ હૈ, મગર અવાજ મેં જ્યાદા કરતા હું, તેરે અવાજ તેરે મુંહ સે અવાજ નહીં નિકલતા હૈ, ઇનકા એક હી કારણ હૈ, સોને ને બતા દિયા બરસો સે મેં સોચતા હું કે રાજ નહીં મિલતા થા, આ તેરી ઓર સે મુજે રાજ મિલ જાયેગા, મેં આનંદિત હો જાઉંગા, કે માર ખાને કે બાવજૂદ ભી તો અવાજ ક્યું કરતા હૈ, લોહે ને આંખ મેં આંસુ કે સાથ સોને કો કહા, માર તું ભી ખાતા હૈ, માર મેં ભી ખાતા હું, મગર મુજે મારને વાલા મેરા ખુદ કે ઘર કા હૈ, તુજે મારને વાલા તેરા ઘર કા નહીં હૈ, સોના ને લોખંડની હથોડી મારે, પણ લોખંડને લોખંડનો હથોડો જ મારે, મને લોહીને કહા દોસ્ત, માર તું ખાતા હૈ, મગર મારને વાલા તુજે બાજુવાલા હૈ, ઓર મુજે મારને વાલા મેરે ઘર કા હી હૈ. આગળ ચાલુ એની પહેલાં એક કોટેશન તમને કહી દઉં, બહારના 50 ધક્કા સહન થશે, ઘરનો એક ધક્કો સહન નહીં થાય. ફરી વાર કહી દઉં, બહારવાળા 50 ધક્કા તમને મારશે, પણ ઘરનો સપોર્ટ હશે ને તમે ટકી જશો, પણ ઘરમાંથી એક જ ધક્કો લાગશે ને તમે નહીં ટકી શકો, ખલાસ થઈ જશો. રામાયણમાં ઘરનો ધક્કો હતો, મહાભારતમાં ઘરનો ધક્કો હતો, અને બહુ મોટી કતલામ દી ગઈ. આપકો શાયદ નહીં પતા, મહાભારત કે યુદ્ધ મેં જો કુછ ભી હુઆ, મગર 18 દિવસ કે યુદ્ધ કી સમાપ્તિ કે બાદ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 સાત લોગ જિંદે બચે થે, લાખો લોગ કી હત્યા હો ગઈ. નંબર 1, ફિનિશ ધ ફાઇટ, ફર્સ્ટ રેટ ફેમિલી. એક નંબર કા પરિવાર યદિ આપ બનાના ચાહતે તો યહાં સે શુરુ કર દેના, ઓર આપ યે મત સોચના, જબ ભી મેં ફાઇટ કી બાત કરતા હું તબ આપકે બેટે કો યાદ મત કરના, આપકી પત્ની કો આંખો કે સામને મત રખના, આપ ખુદ કો રખના, કે ઘર મેં જો ફાઇટ હૈ ઉસમેં મેરા ભી તો કહીં રોલ હૈ, 100% રોલ હૈ, મેરે રોલ કો ખતમ કર દૂંગા, પત્ની કો કરના હૈ નહીં કરના હૈ, બેટે કો કરના હૈ નહીં કરના હૈ, બાત ખતમ, મગર મેરી ઓર સે રાત કો 12 બજે સો જાઉં, મેરા કોન્શિયસ બોલે યુદ્ધ કો ખતમ કરને મેં મેં સબસે આગે થા, નહીં ખતમ, શ્રી કૃષ્ણ ભી યુદ્ધ કો ખતમ કરને કે મૂડ મેં થે, નહીં ખતમ હો ગયા બાત અલગ હૈ, મગર વો તો રેડી, આપ ઇતના બોલના ગુરુદેવ, પરિવાર મેં સબસે પહેલે સમાપ્ત કરને કે લીએ મેં પહેલ કર દૂંગા, ફિર ભી યુદ્ધ બચ્ચા તો બાત અલગ હૈ, મગર આઈ શેલ ટ્રાય માય બેસ્ટ, યહાં સે શુરુ કર દેના. નંબર 1, ફિનિશ ધ ફાઇટ્સ. નંબર 2, ફાઇન્ડ એબિલિટીઝ. એબિલિટી મને યોગ્યતા, ક્ષમતા, તાકાત. આપકે બેટે કે પાસ, આપકી બેટી કે પાસ, આપકી પત્ની કે પાસ, આપકે ભાઈ કે પાસ, આપકી ભાભી કે પાસ ક્યા ક્યા એબિલિટી હૈ, ઉનકો થોડા પુશઅપ કરો. મેને પહેલે ભી બતાયા થા, આજ ફિર ભી બતાઉં, મેં કુછ નહીં થા, આજ ભી તુમ યે મત માનો મેં કુછ હું, મગર મુજે માલૂમ થા, આઈ વોઝ નોટ નથિંગ, મગર ક્યા માલૂમ. ગુરુદેવ ને ફાઇન્ડ એબિલિટીઝ, કહીં અંદર મેં છીપી હું યોગ્યતા કો ગુરુદેવ ને ચકાસા તરાસા દેખા, ઓર દેખને બાદ ગુરુદેવ ને ખાદ દિયા, પાણી દિયા, પ્રકાશ દિયા, પ્રોત્સાહન દિયા, પ્રેમ દિયા, પ્રેરણા દી, ઓર વો એબિલિટી બહાર આ ગઈ. આપને કભી આપકે બેટે કો કહા, બેટા યુ કેન ડૂ ટુ મચ ગુડ, સાલા નિકમ્મા હૈ તું, બેવકૂફ હૈ તું, કુછ નહીં કર પાયેગા, યે તો તુમને બહુત કુછ બાર બોલ દિયા, તુમને કભી બેટે મેં એબિલિટી નિકાલી બહાર, હર ક્ષેત્ર મેં તું યું મત સોચો કે આપકા બેટા એજ્યુકેશન મેં આગે આગા, કહીં યે ભી તો સોચો કે આપકે બેટે કી માનસિકતા ક્યા હૈ. એક બાપને અપને બેટે કો 100 રૂપિયા દિયા થા, ઓર 100 રૂપિયા બેટે ને પૂછા, પપ્પા 100 કા ક્યા કરના હૈ, બાપને બોલા 100 આ દેતા હું, શામ કો તું મુજે બતા દેના, 100 રૂપિયા કા આઉટપુટ તો નહીં ક્યા પાયા, એસી જગહ પે 100 ઇન્વેસ્ટ કરના હૈ, જ્યાં આઉટપુટ તુજે જ્યાદા મિલે, ઠીક હૈ. 8 સાલ કા બેટા નિકલેગા, બાપ દેખના ચાહતા થા વોટ ઇઝ ધ એબિલિટી, બાપ સોચના ચાહતા કે બેટે કે મન મેં ક્યા હૈ, વો કહાં ક્યા નિકલ સકતા હૈ બહાર, ઉસકે મન મેં 100 રૂપિયા કે નોટ દે રખી. શામ કો બેટા આયા,
बेटे के चेहरे पे मुस्कान थी। पिताजी पूछे, इसके पहले बेटे ने बता दिया, पापा वो 100 दिया था ना, मालूम ही क्या हुआ गया, क्या हुआ? आपसे 100 लेकर के जाता था और रास्ते में एक गरीब देखा, एक गरीब माँ देखी जिसकी अंगूरी पे 2 बेटे थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे। मैं छोटी उम्र का था, मेरे सामने बेटे नहीं देखा, उनको मालूम नहीं था मेरे पास 100 की नोट है। मगर गुरुदेव माँ के चेहरे पे देखा, तब माँ को मैंने पूछा, आपके बेटे को कुछ खिलाया? नहीं, अभी 10 बजा है, भीख में शायद मिलेगा तो मेरे बेटे को मैं खिला दूंगी। और पप्पा कोने में जाकर के मैंने माँ को 100 दे दिया। मेरे सामने देखने लगी, तू मुझे 100 दे रहा है? हाँ। और वो केला जो कुछ भी लाना था पप्पा तीनों ने खा लिया। क्या चेहरे पे मुस्कान थी पप्पा, सच बताओ इनके चेहरे पे मुस्कान तो जो थी वो मैं पागल बन गया था। मेरे 100 रुपया देने से किसी परिवार के मुंह पे मैं इतनी तेजी इतनी चमक ला सकता हूँ? पप्पा ये 100 का खर्च मैंने वहाँ कर दिया। और पप्पा ने धीरे से पूछा, बेटा मैंने वो पूछा था आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए, पप्पा इससे तो और अच्छा आउटपुट क्या हो सकता है? 100 देने के बाद कोई 3 लोग पागल पागल बन जाए, मुझे धन्यवाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे दुआ दे, पप्पा इससे तो ज़्यादा आउटपुट क्या हो सकता है? पहली बार बाप ने सोचा 100 का आउटपुट स्माइल भी तो हो सकता है, नॉट प्रॉफिट बट स्माइल। और यही बाप ने देख करके पहली बार बेटे के चेहरे पे देखा, मेरे की बेटे की आंख में देखा और पापा खुश हो गए। अभी देखो क्या हो गया, खुश होकर के पापा ने जेब में से 100 की 10 नोट निकाल दी और एक साथ बेटे को 1000 रुपया दे दिया। बेटा आज 100 का तूने जो कमाल कर दिया, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने में 100 का उपयोग कर दिया, मेरी ओर से बेटा 1000। और तब बेटे ने मजाक से पापा को कहा, पापा वहाँ मुस्कान मिली, यहाँ 100 का 1000 मिला, आउटपुट इससे तो और अच्छा ज़्यादा क्या मिल सकता है? 100 दिया और 1000, सच बोलो मैं पूछता हूँ, आपके बेटे की एबिलिटी तुमने कभी निकाली? सिर्फ एक ही एबिलिटी बेटा, ये एमकॉम में एलएलबी ने 90% 90-95% लाना, एक ही एबिलिटी। मेरा बेटा कमजोर रहेगा, मेरा बेटा कुछ कम पढ़ने में कमी, एक ही। आपके बेटे को तुमने कभी आंगी का सामान दे दिया? बेटा 1000 रुपया ले ले, परमात्मा आंगी कर दे, बेटा 500 रुपया ले ले, पाठशाल में चले जा, बेटा 200 रुपया ले ले, भिखारी का बाजार। तुमने कभी एबिलिटी देखी? फाइंड एबिलिटी। आपके बेटे को तुमने तबाह कर दिया, उसमें बहुत एबिलिटी थी बहुत, मगर न तुम्हारा प्रेम मिला, न तुम्हारी प्रेरणा मिली, न तुम्हारा प्रोत्साहन मिला। 3 बात करना चाहता हूं, परिवार के किसी के सदस्य के हृदय में इसे जीवन में पड़ी हुई एबिलिटी को बाहर निकाला है, या तो प्रेम दो, या तो प्रेरणा दो, या तो प्रोत्साहन दो। टीका करने से, गाली देने से नहीं कुछ नहीं होगा, यू कैन डू टू मच गुड। एक बार तो लाओ, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सब कुछ दिया था, संस्कृत की पहली बुक 11 बार किया, इतना कमजोर होने के बाद भी गुरुदेव ने कभी डांटा नहीं, डांटा तो भी प्रेम देकर के डांटा, रत्न सुनो तू बहुत कुछ कर सकता है, अपने आप को कमजोर मत मानना, तेरे में बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ। हमारे कक्षाधिपति जय गोस्वामी थे, उनके पास प्रेम सूर्य के पास एक ज्योतिष है, उसने बोला था कि ये मुनि को कभी श्लोक कंठस्थ करने में मत रोकना, वो हैरान हो जाएगा। श्लोक हमारी भाषा में जी ने कहा था कि मैं आभात मैंने कक्षाधिपति जय गोस्वामी पोते की दी थी, ख्यात नाम ज्योतिष जी, प्रेम सीमा के बाद जाके बोला था कि ये जो मुनि है ना, ये मुनि सब कुछ और कुछ पढ़ पाएगा मगर कभी श्लोक कंठस्थ नहीं कर पाएगा। और प्रेम सीमा ने मुझे ये कहा कि ज्योतिष ने कुछ भी कहा है, मैं तुझे कहता हूँ जयगोस गाथा करनी है और रोज की 200-200 गाथा कंठस्थ कर देते। दिस वॉज द एबिलिटी। रोज बेटे को डांटते रहते, रोज बेटे तेरे में कुछ नहीं, तेरे में कुछ नहीं, अरे इनमें सब कुछ है। फाइन एबिलिटी, बहुत रास्ता है। मेरा कोई शिष्य व्यावच में आगे, कोई शिष्य प्रवचन में आगे, कोई शिष्य पढ़ाने में आगे, हर एक ही क्षेत्र में कोई आगे नहीं हो सकता है, होता है तो आनंद है, मगर हर एक की एबिलिटी में देख करके उनको बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ और वो जीवन का उनका उत्साह जीवन भर तक बना रहता है। थर्ड स्टेप की बात बताओ, इनके पहले बताओ, चर्चिल ब्रिटेन के कोई स्कूल में आ रहे थे, जिस स्कूल में वो पढ़े थे वो स्कूल में आ रहे थे, और पहले से पता था कि
प्रेसिडेंट आ रहे ब्रिटेन के, स्कूल साज सज्जा करके रखी थी, जिस क्लास में वो पढ़ते थे वो क्लास में आए, टीचर ने अगली बेंच पर सब अच्छे अच्छे लड़के को बिठा दिया था, पता था कि चर्चिल आकर के आने वाली बेंच में जो बैठे आगे उनको पूछेंगे सब, तो वेल टैलेंटेड लड़के सब आगे बैठे थे, और लास्ट बेंच पे तो वही होता है, और न मालूम चर्चिल ने जैसे ही प्रवेश किया, टीचर ने सोचा भी नहीं था, चर्चिल सीधा प्रवेश करके लास्ट बेंच तक पहुंच गए। सर यहाँ आता हूँ, सीधा वहाँ गए, और लास्ट बेंच पे जो लड़का बैठा था उनको बोला LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, हाँ उनको LLB बोला जाता है। वो बेचारा नीची मुंह करके बैठा था, और चर्चिल वहाँ गए, चर्चिल इनके कंधे पे हाथ रखा, वो तो कांप रहा था, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट लास्ट बेंच पे रहे हुए लड़के के कंधे पे हाथ रखे, वो तो कांप रहा था, उसको मालूम नहीं कि क्या हो जाएगा। और चर्चिल ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, दोस्त डरना नहीं, इसी क्लास में इसी बेंच पे मैं बैठता था, आज ब्रिटेन का प्रेसिडेंट हूँ, कल तू भी तो बन सकता है। फाइन एबिलिटीज, आप ये मानते आपका बेटा आपके आपसे छूट जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे पिताजी ने अंदर पढ़ा था, सब कुछ बाहर निकाल दिया, एक प्रवचन मेरा गुरुदेव को याद किए बिना क्यों नहीं रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इतना पूर्ण था, गुरुदेव ने एबिलिटी निकाली बाहर। रत्न हनर यू कैन डू टू मच गुड, कोई चिंता मत करना, मैट्रिक पास हूं मैं, कभी कॉलेज में नहीं गया, गुरुदेव ने मुझे खुद ने गुरुदेव ने कहा था, रत्न हनर एक बार तो कॉलेज का पहला ईयर कर दे, मैं बोला गुरुदेव आपका चरण वही मेरे लिए कॉलेज है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, आपके चरण की सेवा करूंगा, और वो गुरुदेव ने एबिलिटी दिखी, था नहीं मेरे में कुछ, मगर प्रेम प्रेरणा प्रोत्साहन खाद प्रकाश और पानी तीन देते चलो, बीच में से अंकुर 100% पैदा होगा, फर्स्ट रेट फैमिली, पहले नंबर की बात, एबिलिटी देख करके उसको आगे जाने का एक रास्ता दिखा दो। नंबर 3, फ्रीक्वेंटली मोटिवेट, दिल से मोटिवेट करो इनको फ्रीक्वेंटली, कोई चीज बार 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 बार, एक बार से कुछ नहीं होगा, रिपीट करना चाहता हूं। हमारे वहां सोरसेक में हरिभद्र सुमान ने किसी भी चीज को आपका नेचर बनाने के करीब जाना है तो एक बात दिखी है, कंटिन्यूटी। संस्कृत नु वाक्य तुम्हें करी दू, सातत्यम धर्म लक्षणम, ये संस्कृत शब्द है। किसी को आपकी हैबिट या नेचर बनाना चाहते हैं, एक बार कंटिन्यूटी रखो, देखो फिर क्या ताकत बन जाती है। पानी का एक बूंद पत्थर पे गिरता है तब पत्थर नहीं टूटता है, मगर पत्थर को तोड़ने की ताकत पानी का बूंद रखता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 50, 100, 1,000,000 बार और गिरा और गिरा और गिरा और पत्थर टूट गया। आपके बेटे को एक ही बार मोटिवेट मत करो, बार बार करो, बेटा और आगे और आगे और आगे, मैं बैठा हूं, निकल जाएगा तो चिंता मत करना। एक लड़का स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया था तो पानी देख के डर गया, तो लड़के की भी मास्टर था, उन्होंने बोला लगाओ जंप, मैं बैठा हूं, डाई मार, डर लगता है, जोर से धक्का मार दिया, टीचर ने पीछे थे उसने, और धक्का मारा फिर तो क्या पूछना, पहली बार गया था, अंदर हैरान हो गया, हाथ पैर हिलावे क्या, टीचर को मालूम था ये पहली बार यही होगा, सीधा टीचर ने जंप मार दिया पीछे, और बचा लिया, बचाना ही था, बचाने के बाद लड़के को बाहर बुला लिया, और लड़के ने टीचर को कहा जब तक तैरने के लिए नहीं आएगा तब तक यहाँ नहीं आऊँगा। आज आया सो आया, हैरान हो गया, तुमने धक्का मार दिया मेरे पीछे, तुम आए मुझे मालूम है क्या पीड़ा हुई, जब तक तैरने के लिए नहीं आऊँगा तब तक नहीं आएगा तब तक यह नहीं होगा, मैंने जाऊँ दी तरता नहीं आवड़े जाऊँ दी यह नहीं आऊँ, तो टीचर भी तरता क्या सीखी, तो क्योंकि गाडला ने गुडड़ा ऊपर गद्दी पे तैरना सीखना पड़ता है क्या, तो स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 25 बार, वो बार बार प्रयास करेगा तब तक आएगा। दरेक साइकिल चलावनारा 25-50 बार पड़या जैसे, मने साइकिल चलाव तो आवड़े तारे ज बेसी, तमे नथी कीधु, तरता आवड़शे पछी स्विमिंग पूल में आवशे नथी कीधु,
मुनि जीवन में पण अमारो आजे पग जबरदस्त जामी गयो छे एनुं कारण मोटिवेट बार 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 गुरुदेव कहते चले और आज यहाँ तक पहुँचा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, एक ही बुंद से फसल पैदा नहीं होती है, पानी की एक बुंद से पत्थर कभी टूटता नहीं है। फिर से मैं कहूँगा, एक ही बार किसी को मोटिवेट करने से वो आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार आपको मालूम ही नहीं मैच चलती है वहाँ क्या होता है, मोटिवेट करते हैं स्टेडियम में बैठे हुए प्रेक्षक, वी वॉन्ट सिक्स वी वॉन्ट फोर, बार बार ताली बजाते, ये घोसला बन जाता है और क्रिकेट के खिलाड़ी में जो अंदर पड़ा है वो निश्चित तौर से बाहर आ जाता है। नंबर एक, फिनिश द फाइट्स। नंबर दो, फाइन एबिलिटीज। कभी कभी चूक भी जाते हैं, समझ में नहीं आता है बेटा क्या होगा। एक बाप अपने ज्योतिष के पास गया था, उसने बोला फाइन एबिलिटी, मेरे बेटे को मैंने देखा, समझ में नहीं आता है क्या हुआ। मैंने बहुत प्रयास किया कि बेटे की एबिलिटी निकालूं मगर समझ में नहीं आता है, बेटा भी इतने विचित्र है। तो संत ने पूछा, तूने क्या किया था? क्या किया माने, मैंने एक धर्म ग्रंथ रख दिया था, एक और पैसा रख दिया था और एक दारू की बोतल रखी थी और मैं बाहर खड़ा था, दरवाजा बंद कर था, बारी की खिड़की खुली थी, खिड़की से मैं झांक रहा था, बेटे को पता नहीं था और मैं बेटे की एबिलिटी चेक करना चाहता था। बेटा इंडिपेंडेंट था, घर में कोई नहीं था, स्वतंत्र था, यहाँ पैसे थे या दारू की बोतल थी या धर्म ग्रंथ था। मैंने सोचा था यदि बेटा धर्म ग्रंथ देगा तो मैं समझूंगा अच्छा धर्मी बनेगा, यदि वाइन पी लेता समझना कि ये बदमाश होगा एक नंबर का, और यदि पैसा लेता समझा व्यापारी बनेगा। मगर वो एबिलिटी अभी तक तो मैं नहीं समझ पाया। संत ने पूछा, हुआ क्या? कुछ हुआ ही नहीं क्या बेटा, ऐसे निकल गया तो ऐसे नहीं निकल गया, कमाल कर दिया। क्या हुआ? उसने पैसा जेब में डाला, दारू मुंह पे लगा दिया और धर्मग्रंथ बगल में डाला, समझ में नहीं आता एबिलिटी क्या है। एक साथ तीनों कर दिया। तो वो संत ने बोला, वो पॉलिटिक्स होगा, चिंता मत करना। अभी एक साथ तीनों करता है तो पॉलिटिशियन होगा, चिंता मत करना, सब कुछ करेगा, कभी धर्म का कोट करेगा, कभी पैसा के पीछे भगेगा, कभी पीते भी रहेगा, चिंता, ये भी तो एबिलिटी है। और नंबर चार महत्वपूर्ण बात, फील इंपोर्टेंस। जिसको हरिभद्र श्री महाराज ने एक अलग शब्द में इंपोर्टेंस की बात लिखी है, औचित्य पालन। ये मेरी बात नहीं है, पूज्यपाद 1444 ग्रंथ के रचयिता आचार्य हरिभद्र सीमा का यह वचन है, औचित्य पालनम। और आप मेरे प्रवचन जो भी सुनते हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा, हरिभद्र सीमा ने यह शब्द लिखा है, सबसे पहले मोक्ष में कौन जाएगा? मांस खमण करने वाला, 1 करोड़ का डोनेशन देने वाला, शिखरबंदी मंदिर बनाने वाला, श्रेष्ठ कोटि का संयम का पालन करने वाला, माता पिता की भक्ति करने वाला, ये सब कुछ है। मगर हरिभद्र सीमा ने ये कोटेशन लिख करके कमाल कर दिया है, औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। नजदीक में मोक्ष में जाने वाले का लक्षण औचित्य पालन है। जो जहां भी बैठा है वह इंपोर्टेंस को सबसे पहले इंप्लीमेंट करेगा, वो सबसे पहले मोक्ष में चले जाएगा। आपके पिताजी को 6 डिग्री बुखार है और आपके पिताजी चाहते कि बेटा आज मेरे पास बैठना, शरीर में कोई मजा नहीं है, 5 डिग्री बुखार सबसे बेचैन हूँ, ऐसे तो मैं स्वस्थ रहता हूँ मगर आज चाहता तू मेरे पास बैठ जा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सौधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर भगवान महावीर के वचन को वफादार लेकर के मैं कहना चाहता हूँ, 105 डिग्री बुखार है और उस टाइम और कोई व्यवस्था नहीं है और पिताजी खुद अकेले आपकी उपस्थिति चाहते कि बेटा किसी भी हिसाब से मैं चाहता हूँ
105 डिग्री, नहीं मालूम मुझे क्या होगा, प्लीज़ अभी तू यहाँ ही रुक जा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा एक बार छोड़ देना, मगर पिताजी के पास बैठ जाना। यह है औचित्य पालन। मेरा आपसे एक प्रश्न है, पिताजी की टॉप प्रायोरिटी में भगवान की पूजा यदि छोड़ देनी चाहिए तो पिताजी की टॉप प्रायोरिटी में बिजनेस छोड़ना चाहिए कि नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा क्या? आपको जिंदगी में कभी याद आया इंपॉर्टेंस तुमने कभी तय किया है? मैं मेरी बात बताऊं, कभी बात बताई थी, आज फिर से बताना चाहूंगा। सांताक्रूज में मेरी शिविर चल रही थी और सांताक्रूज शिविर में करीबन 1200 लड़की की वैकेंसी थी और शिविर अर्थी हाउसफुल होते जा रहे थे, हॉल छोटा पड़ रहा था। वहाँ के ट्रस्टी ने मुझे बता दिया गुरुदेव बाजू का हॉल है, करीबन 400 लड़के और बढ़ जाएंगे। मैं देखने के लिए गया, मेरा कॉन्शियस नहीं माना। मेरे पिताजी, मेरे गुरुदेव देव सुंदर विजय महाराज, आपका स्वास्थ्य नरम था। मन में कभी भय भी था कि शायद पिताजी इस चातुर्मास निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। और मैंने ये सोचा शिविर संडे की 4 घंटे यदि मैं यहाँ से अलग हो जाऊँ और यहाँ उसी टाइम पिताजी का स्वास्थ्य नरम हो जाए और मैं वो टाइम नज़दीक न हूँ, तो मेरी जिंदगी का एक अफसोस रह जाए कि मैं कहाँ 27 साल से पिताजी के साथ रहा और अंत समय में पिताजी से और एक शिविर के माध्यम से। और मैंने ट्रस्टी को बोल दिया 400 लड़के कम आएंगे तो चलेगा, शिविर इसी हॉल में होगी और 10-15-20 कदम पे मेरे पिताजी रहेंगे, शायद चालू शिविर में भी कुछ हो जाए मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और वो ही हुआ। संडे के दिन के पहले लास्ट शिविर थी, सैटरडे के दिन अश्वबच्छट, और मैं गुचरी करके अलग कमरे में जा रहा था। उसके पहले मेरे मन में आया कि पिताजी को देख तो लूँ, और जैसे ही पिताजी के पास गया पिताजी के सांस फूल रहे थे। मैं सोच गया ये क्या हो गया, और सांताक्रूज के डॉक्टर सुमती भाई तात्कालिक उनको किसी को बुला के भेज के बुला दिया। सुमती भाई तुरंत आ गए और सुमती भाई ने बता दिया गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, सही समय पे मुझे बुला दिया। मैं बोला मुझे भी मालूम नहीं, मैं तो ये शिविर थी कल के शिविर की तैयारी कर रहा था, मगर पहली बार मन में आके गोचरी करने के बाद गुरुदेव के पास चला जाऊँ। गुरुदेव के सांस फूल रहे थे, गुरुदेव ओनली 1 आवर नाउ, आपके गुरुदेव का अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है जिंदगी समाप्त होने के। मैं हैरान था, सब साधु को बुला लिया और जोर से सांस चलने लगी। सुमती भाई वहीं खड़े थे, हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ दिया, हाथ अपने आप से नीचे गिर गया। गुरुदेव ओनली 20 मिनट्स, और वो टाइम सिद्धाचल शिखर दिवो आदिश्वर अलबिलो, मेरे गुरुदेव को बहुत प्यारा स्तवन था, वो स्तवन मैंने शुरू कर दिया। मैं कमाल की बात बताना चाहता हूँ, जानबूझ करके स्तवन बोलते बोलते मैंने गलती कर दी। मैं जानना चाहता था कि गुरुदेव का मेमोरी पावर अभी कितना है, और एक गाथा से तीसरी गाथा मैंने शुरू कर दी। वो टाइम गुरुदेव ने मुझे बोला रत्न सुंदर ये गाथा रह गई है, आई वॉज द हैप्पी। और वही माहौल के में सिद्धाचल शिखर दिवो आदिश्वर सुनते सुनते गुरुदेव का अंतिम सांस निकल गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फील इम्पोर्टेंस, आपने कभी देखा मेरी बेटे की प्रायोरिटी, मेरी पत्नी की, मेरे भाई की, मेरी भाभी की, और कभी ना कभी आपके वॉचमैन की, कभी आपके ड्राइवर की। आपको रोज गाड़ी में ले जाने वाला ड्राइवर आज बीमार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैसेज मिल गया आपका ड्राइवर बीमार है, बुखार है, वो नहीं आ पाएगा, दूसरे ड्राइवर करके मत जाओ, सीधी गाड़ी लेकर के उनके ड्राइवर के घर पे चले जाओ। आपको मालूम तो मैं याद कर रहा हूं कल्प सूत्र में, हर साल तुमने कल्प सूत्र सुने, मगर तुम्हें मालूम है कल्प सूत्र में सिद्धार्थ महाराजा ने अपने राजमहल के नौकर के लिए शब्द लिखा है, तयनम ते कुटुंबिया पुरुषा सदावी, कौटुंबिक पुरुष को सिद्धार्थ महाराजा बुलाते, माने अपने राजमहल में काम करने वाले सभी के लिए सिद्धार्थ राजा के मन में कौटुंबिक पुरुष का ख्याल था। आपका क्या ख्याल है? फेल इंपॉर्टेंस। ये कोरोना के माहौल में तुमने तुम्हारे परिवार तुमने बोला इनको कि दोस्त क्या है इस सैलरी में तुझे चलता है, दे दो यार थोड़ा ज्यादा, और डोनेशन कम देना।
અને તમને કહી દઉં છું ડોનેશનમાં બી ઇમ્પોર્ટન્સ તમારે જોવી પડશે. માન લિયા તુમ્હારા ચેરિટી કા નસના તુમ જમ કે ચેરિટી કરતે હો મગર ચેરિટી કરને મેં ભી વિવેક દ્રષ્ટિ કા ઉપયોગ કરના હી પડેગા. જબ જીસ ચીજ કી ટોપ પ્રાયોરિટી ઉસ ચીજ કો ઉસી જગહ દાન કરના વહી તો ઇમ્પોર્ટન્સ હૈ વો ઔચિત્ય પાલન હૈ. આજ કા ઔચિત્ય પાલન અલગ તરીકે કા હૈ. આપકો યે સમજના ચાહીએ ઇમ્પોર્ટન્સ ક્યા હો સકતી હૈ. કલ અમેરિકા સે મેરે પે મેસેજ આયા વો ધ રિયલી હેપી. ये इंडिया की रिक्वायरमेंट. अमेरिका में रहे हुए जैना लाखों करोड़ों रुपए का काम कर दे. ये इंडिया में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है उन लोगों ने कल एक मैसेज दिया वी ट्राई अवर बेस्ट. हम जल्दी से जल्दी प्रयास करते हैं कम से कम ऑक्सीजन का जो मशीन आता है 35,000 का 40,000 का शायद 50,000 का 1,000 मशीन लेकर के हम जल्दी से जल्दी इंडिया भेजना चाहते हैं करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का. आपके परिवार की इंपोर्टेंस समझो. मैं सास को भी कहूंगा पत्नी बीमार है बहू बीमार है इनको बोलो बहन आज आराम करना है. आज कुछ चौके में काम नहीं करना है. मैं कर लूंगी बाहर से नौकरानी बुलाऊंगी मगर आदमी तू घर की बहू है बुखार है तो भी तुझे चौका संभालना नहीं. प्लीज फील इंपॉर्टेंस. परिवार टूट गया तुमने हरेक को हरेक समय एक ही रास्ते पे तुमने बांध लिया. कभी इंपॉर्टेंस चेक करो कभी आचार्य टॉप पे होता है कभी बाल मुनि टॉप पे होता है कभी प्रवचन का टॉप पे होता है. हमारे वहां भी इंपॉर्टेंस अलग अलग रहती है. जिस दिन आपके परिवार में इंपॉर्टेंस का पता चलेगा उस दिन आपको लगेगा. एक बेटी थी एमकॉम में थी नहीं एमबीबीएस में थी. लास्ट ईयर था लास्ट ईयर का लास्ट पेपर. पिताजी बेटी को देखते रहते थे कि कहीं ना कहीं चेहरे पे तनाव तो है ही. एमबीबीएस लास्ट ईयर एग्जाम सब तनाव था. क्या पिताजी का विजन होगा पिताजी ने खुद सोचा. और सोचने के बाद जैसे ही सेंटर में बेटी पेपर देने के लिए गई बेटी को फोन करके बोला बेटी आज कहीं नहीं जाना पेपर देकर के सीधी घर पे आ जाना. पापा क्या है. सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. क्या. घर पे आएगी तब पता चलेगा. बेटी के पास बाइक था. सोचने लगी पापा ने क्या बता दिया घर पे कोई मेहमान आए क्या कोई फर्स्ट क्लास पास आए सेलिब्रेट किसका होगा. और बेटी आई तो हैरान थी. सुबह से बेटी गई थी पेपर देने के लिए 6 घंटे के बाद कॉलेज में आई. पापा ने क्या कर दिया घर में आई. पापा ने कमाल कर दिया था. नज़दीक के रिलेशन वाले 25 लोगों को पिताजी ने घर में बुला दिया था. सब कुछ माहौल बेटी के कमरे को सजा दिया था. म्यूजिक चल रहा था और बेटी ने आकर देखा खुद का कमरा सजा हुआ ये सब. पापा ये है क्या. है क्या कुछ नहीं. ये सबसे बात ये है MBBS पास करने के लिए तूने जो पुरुषार्थ किया ना मेरी आंखों के सामने ना आओ देखा ना ताव देखा ना तू थिएटर में गई ना तूने केबल देखा ना तूने चैनल देखी ना कुछ गलत में तूने समय का वेस्टेज किया. तेरा पुरुषार्थ में देख करके दंग था. मैंने सोचा कि मेरी बेटी की तारीफ में कैसे करूं और तो कुछ नहीं कर पाता था मगर आज इम्पोर्टेंस लगा. चाहे मैं कितना भी बढ़ाऊंगा मगर बेटी तेरा इम्पोर्टेंस मैंने देखा है. 6 साल से नहीं लास्ट साल तेरा जो पुरुषार्थ देखा तो लास्ट पेपर तेरा खत्म हो इसलिए मैंने सेलिब्रेट केंद्र में तुझे रखा है. आज सबको तू संभाल लेगी. और बेटी ने पूछा पापा अभी तो रिजल्ट तो आया ही नहीं. रिजल्ट नहीं आया फिर भी इतनी सेलिब्रेट क्यों. और पापा ने बता दिया मैं परिणाम क्या आया वो सोचता नहीं हूँ तेरा पुरुषार्थ क्या वो सोचता हूँ. तेरी टॉप प्रायोरिटी इसलिए. और बेटी की आंख में आंसू थे. सच बोलो आपने कभी आपके बेटे को इम्पोर्टेंस दिया. बाहर से कोई मेहमान आया उसको मेहमान के सामने बेटे को खड़ा करके बेटे की कोई तारीफ की.
बड़ी दुख की बात बताऊं, कई माँ अपने बेटे को लेके आती है ने, मारा से मारो दीकरो जे ने क्रोध बहु करे जे। पहली बार माँ अपने बेटे के लेकर के मेरे पास आई हो, सीधा वो बोलती कि मेरा बेटा क्रोध बहुत करता है। हमें आने माँ ने शू कहूँ, हूँ घनी बार मम्मी ने कहूँ आ उम्र तू क्रोध नहीं करती, तो कि हूँ तो करती थी पर नहीं कर बोली। पाजा घना माँ बाप के साहब मारा बेटा ने सीधो कर दिया, सड़िया जो वहाँ को दी गए। थोड़ी तो अक्कल लगाओ, पहली बार तुम आपके बेटे को मेरे पास लेकर गया दो, खुद तो तारीफ करो। महाराज साहब मेरा बेटा खुद भी है मगर वो परमात्मा की पूजा बहुत जबरदस्त करता है। महाराज साहब एक बार इनका गुरुबंधन सुनो, कमाल गुरुदेव एक बार इनकी पोएम सुन लो, कभी तो तारीफ करो और बेटे को टॉप रेडी दो। मगर तुमने कभी सोचा नहीं, हर तरह फील से मैं कहना चाहता हूँ, फील इम्पोर्टेंस। परिवार में किसकी टॉप प्रायोरिटी कब होती है, कब माँ कब बाप, और उसी प्रायोरिटी को लेकर के यदि तुम चलो तो दावा के साथ कहना चाहता हूँ आपका परिवार नंबर एक। अने एक गुजराती भाषा में तुमने कह दू, एकला परिवार कह दू, एकला जीती सकाए पण एकला रहीने जीवी न सकाए। अपने एकला रहीने जीती सकिए पण एकला जीवी न सकिए। जीववा माटे तो परिवार नो सौथी मोटामां मोटो सपोर्ट जोईए जोईए ने जोईए। अने एटला ज माटे कहूँ छूं, यहाँ से शुरू कर दो, फील इम्पोर्टेंस। जब जहाँ जिसकी टॉप प्रायोरिटी हो वहाँ आप इनको टॉप प्रायोरिटी पे ले जाओ, आपका परिवार आपके पीछे पागल बन जाएगा। कभी कभी कोई ऐसा काम आ जाए तो बोलते ना, बेटा ये काम तेरा है ये काम मेरा नहीं है, इसमें उनको आगे कर दो। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, मगर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, मगर हम तो अच्छे रहे, हमें किसने रोका है। यदि मैं अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो किसी ने मुझे रोका नहीं है। नंबर चार, फील द इम्पोर्टेंस। मैंने पहले बता दिया था, बरसों पहले मैं श्रीपाणनगर में, बम्बई श्रीपाणनगर में अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिमानी की निश्रा में उद्यान था। श्रीपाणनगर का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, गुरुदेव आपने तो संसार छोड़ दिया, बाल बाल बच गए। मैंने बोला तुझे किसने ना बोला था, मगर गुरुदेव बस निकल गई, फिर स्टेशन पे आया। तुमने खबर नहीं थी, एक बे त्रण चार पाँच नहीं, हजारों परणेला मने मण्या छे, साहेब थोड़ा वेला मणी गया तो हूँ आवी गयो तमारी आगळ, मैं तारा दीकरा ने तो मोकल, तो ना ये तो हमणां कॉलेज में छे, तमे हूँ बेवकूफी करो छो, थोड़ा वेला मणी गया तो आवी जाओ, शू काम अहीं मारी आगळ हूँ काम छू। नहीं नहीं गुरुदेव सब हैरान हैरान हो गए, मैं तेरा बेटा तो बाकी है, इसको तो भेज, नहीं नहीं उनको तो गुरुदेव अभी कैरियर बनानी है। वो लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव बाल बाल बच गए। मैं इंपॉर्टेंस की बात बताना चाहता हूँ, क्या होता है, क्या हुआ गुरुदेव, मैं इजराइल जा रहा था 15 दिन के पहले, और मेरी पत्नी रोटी बना रही थी, और मैंने कहा डायमंड का बिजनेस है, इसलिए आज शाम के प्लेन में इजराइल जा रहा हूँ, महाराज साहब आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। रोटी चलती रही और उसने जवाब दिया ठीक है, इजराइल जा रहा हूँ गुरुदेव, मेरे सामने देखती भी नहीं है, कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं, रोटी चलती है ठीक है। मैं बोला तो फिर पत्नी क्या करे, महाराज करे क्या नहीं बोलना चाहता हूँ, क्या हुआ और बोलना चाहता हूँ। फिर 7 दिन के पहले महाराज साहब 6 दिन इजराइल जाके आ गया, और कल की ही बात, मेरे घर में बर्तन साफ करने वाला, कपड़ा धोने वाला नौकर, मैं भोजन कर रहा था, मेरी पत्नी रसोई बना रही थी, वो नौकर ने आकर के बोला भाभी मैं यूपी जाता हूँ, रोटी छोड़ दी, और पत्नी ने नौकर को पूछा कब आएगा, जल्दी आ जाएगा ना, ये प्रायोरिटी कर दे।
मैं इनका पति होने के बाद इसे ज्यादा पुश्ती भी नहीं कब आएंगे, और ये नौकर को बोले जल्दी आ जाना भाभी मंगलवार को आ जाऊंगा, लेट मत करना, तेरे बिना नहीं चलेगा, पति बिना चलेगा, नौकर बिना नहीं चलेगा। તમારી ભાષામાં તમારે લખવું તો રાખી નાખો, જીવવા માટે આધાર જેટલા વધારે એટલા મનથી નિરાધાર તમારે વધે, જેને જીવવા માટે આધાર વધારે એ મનથી નિરાધાર વધારે, આધાર ઓછા કરો તો નિરાધારતા તમારી ઓછી થશે, જેને પણ જીવવા માટે વધુને વધુ વધુને વધુ આધાર પકડ્યા ગયા કામથી, एक बहन गई थी किसी मशीन लेने के लिए और मशीन देखा और वो मशीन वाला ने मशीन की तारीफ कर दी, उसने बहन को कहा भी नहीं मशीन है ना आप जो काम करती हो ना घर में 50% काम आपका ये मशीन कम कर देगा 50%, और वो उनको लगा कि बहन के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी सुनने के बाद, बहन का चेहरा थोड़ा गिरा हुआ था, बहन क्या सुना नहीं ना आपके घर में जो भी काम करते 50% काम मशीन कम कर देंगी, तो बहन ने पूछा 100% काम खत्म हो जाए ऐसा कोई मशीन है क्या, काम करबूज नहीं, आ मशीन नहीं चाप दाबो एट बधु थे, चाप दाबे वो कोई है, वाई बी आर एपी आधार जितना ओछा एटली तमारी निराधारता ओछी, नंबर 4th फील इम्पोर्टन्स, नंबर 5 ફોરવર્ડ લવ, ફોરવર્ડ પ્રેમ કો કેન્દ્રિત મત કરો, પ્રેમ કો ફેલાતે ચલો, નોટ ઓનલી ડ્યુ ટુ માય ફેમિલી, બાજુ વાલે ઓર જીતના આપ ફેલા સકો ઇતના પ્રેમ કો ફેલાતે ચલો, અને એક વાત પ્રેમના ક્ષેત્રમાં તમને કહી દઉં, जिसको प्रेम मिलता है वो अमीर बन जाता है, और जब देता रहता है वो कभी गरीब बनता नहीं। रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम वो है, प्रेम वो संपदा है, प्रेम वो संपत्ति है, प्रेम वो ताकत है, प्रेम वो स्ट्रेंथ है, जिसको मिलता है वो अमीर बन जाता है और देने वाला कभी गरीब रहता नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई हम प्रेम को स्प्रेड क्यों नहीं करते, तमें जेने आपो अमीर बनी जाए, तमें गरीब रहता नहीं, गरीब बनता नहीं, गरीब थता नहीं, कदा तमें पण अमीर बनी जाओ। मान लिया पैसा देने में आप सिकुड़ जाते हो, कृपणों की पैसा देते देते तुम थोड़े पैसे आपके कम हो जाते, मगर ये तो 100% का यूनिवर्सल ट्रूथ, देने वाला अमीर बन जाता है, लेने वाला अमीर बन जाता है, देने वाला कभी, ये तो सिर्फ कोटेशन इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मगर मैं आगे बताऊँ, प्रेम की सबसे बड़ी ताकत, प्रेम लेने वाला अमीर बन जाता है और देने वाला परमात्मा बन जाता है, प्रेम लेने वाला अमीर बन जाता है, मगर प्रेम जो देते रहता है आने वाले दिनों में किसी के भाव में परमात्मा बन सकता है, जो प्रेम आपको परमात्मा बना दे, और कितना भी देते चलो तो मेरे पास कमी ना हो, वो प्रेम देने में हम इतने कमजोर क्यों बनते, जम के देते चलो खुद लंबा छोड़ा देखो मत। मैं पूछना चाहता हूं सच बोलो, ऐसा प्रेम आपने अभी तक कितना स्प्रेड किया, फॉरवर्ड द लव, मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे जो संस्कार मिले वो संस्कार की बात करना चाहता हूँ। बहुत छोटी उम्र में आज के स्कूल की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वो छोटी उम्र में नहीं थी, केजी तो था ही नहीं, किसी घर में लड़का गया ना, मेहमान आया था, मेहमान ने बाहर से पूछा बेटे को कौन से स्कूल में जाता है, उसने बोला जाता नहीं हूँ, मुझे भेजा जाता है, मैं जाता कहाँ हूँ स्कूल में किसको जाना है, सबको भेजा जाता है, मगर मैं मेरी बात करना चाहता हूँ, मेरे समय में कोई बाल मंदिर क्या नर्सरी प्ले ग्रुप कमाल, ठीक है अभी कमेंट नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा,
मगर हमारे वहाँ तो बेटे को पूछते थे ना कौन से क्लास में पढ़ता है बेटा, बोले चौथी में, तो समझ जाते थे 9 साल की उम्र हुई होगी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, 5 साल के पहले किसी परिवार में बेटे को स्कूल में भेजते नहीं, अभी पेट में बेटा है और बुकिंग होता है स्कूल की, प्रेग्नेंट और आने वाले दिनों में सर बताओ शादी तय होने वाली है पेट में से। और जब मैं स्कूल में जाता था पहली क्लास में दूसरी क्लास में क्या संस्कार मिले थे, आज वही संस्कार स्प्रेड होते चला। रिसेस में नाश्ता का जो डिब्बा मिलता था, चाहे वो खाखरा था, पूरी था, गांठिया था, कुछ भी था, वो डिब्बे भरने का काम भाभी करती थी, तो भाभी सीधा बोलती थी अकेले मत खाना, आजू बाजू 2-4 जो मित्र है उनको खिला के खाना। नानी उम्र दिया संस्कार मिला था कि रिसेस माँ जे पण खाओ तेरे आजू बाजू में बेतन जन ने ऑफर करीने खाजो, तमे जे तमारा बाड़कों ने संस्कार आपता हो ते खाली एटू कहजो फॉरवर्ड द लव। तमारा बेटा ने तमे कीधु छे कि बेटा प्रेम स्प्रेड करतो जजे, राखीश नहीं। अने तमने कही दू टेरेस पर से पत्थर गिरता है ना, टेरेस से पत्थर गिरता है तो जहाँ गिरता है वहीं रह जाता है, मगर टेरेस से एक बार तुम पानी गिरा दो, पानी रहेगा नहीं, पानी स्प्रेड होते चलेगा। दोनों टेरेस से गिरा दिया मगर पानी ये कहेगा कि तुमने गिरा दिया मगर मैं जहाँ गिरूंगा वहीं नहीं, पानी आगे जितना हो सके उतना आगे चलूंगा। राग वो पत्थर है, प्रेम वो पानी है। राग एक ही जगह पे रह जाएगा, प्रेम रहने के लिए तैयार नहीं होगा, स्प्रेड होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। मन हो तो कभी आपके नौकर को पूछना, घर में छोटा बेटा है, आपकी उम्र का बेटा हो तो आपके बेटे के लिए कभी टॉयज लाओ तो उनके लिए भी टॉय ला के देना। दोस्त चाहे तो नौकर में सेठ हूँ मगर बेटा तो तेरा इसी उम्र का है, मेरी बेटी की उम्र का, मेरे बेटे के लिए टॉयज लाया हूँ, तेरे बेटे की वही टॉयज कभी तो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉरवर्ड लव, लाखों साधर्मिकों के लिए तुमने जो डोनेशन दिया वो फॉरवर्ड लव था। तो परिवार को नंबर एक पे एक्सेलेंट फैमिली, एक्सेलेंट, और उनके लिए 5वीं कंडीशन है फॉरवर्ड लव, राग नहीं प्रेम, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। थाली में बेटा खाने के लिए बोले, खाने के लिए बेटे इनके पहले बोलना बेटा तेरे एक मित्र को बुलाना, आज तेरे साथ आज नमकीन है बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फरी बार तमने कीधु प्रेम नु गणित, पुण्य थी मळेलू तमे जे आपो ए ओछू थाय, गुण थी जे मळे ते बधु वधतु जाय। घटवानी वात छे नहीं है, एक बार तुम देते चलो फिर अमीर बनते चलो, देते चलो फिर अमीर बनते चलो। पांचवें नंबर की बात फॉरवर्ड द लव, और छठे नंबर की श्रेष्ठ बात फॉरगिव यस्टरडे। परिवार को एकजुट रखना है, कल को याद मत करो, दैट मीन्स किसी के गलत पास्ट को याद करते करते उनके प्रेजेंट में टॉर्चरिंग मत करो। मान लिया पति का पास्ट कहीं गलत था, आज वो कुछ गलती उसके जीवन में नहीं भी है, मगर वो गलती को यदि पत्नी बार 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 याद कराता है परिवार टूट के खत्म हो जाएगा। मान लिया मेरे शिष्य की भी कोई गलती थी मगर आज इनका जीवन गलती मुक्त है, फिर भी उनको टॉर्चरिंग करने के लिए बार बार उनकी कल याद कराता हूं तो मेरा शिष्य भी मेरा नहीं रहेगा। एक बार दिल से पूछ लो, और एक बात आपको याद कराना चाहूंगा, जो स्मृति तुम्हारे स्वास्थ्य को
तुम्हारी शांति को, तुम्हारे संबंध को डिस्टर्ब करे ऐसी स्मृति को डिलीट कर देना। परिवार तुमने कीधुँ जो स्मृति तुम्हारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे, तुम्हारी समाधि को डिस्टर्ब करे, तुम्हारे संबंध को डिस्टर्ब करे, वो स्मृति को डिलीट कर देना। कई माँ अपने बेटे को बोलती है, कई बाप अपने बेटे को बोलता है, और ये तो बताओ कई बेटा अपने बाप को भी बोलता है, पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। कई लड़की माँ को डांटती कि मम्मी तेरे मेरे लिए क्या किया, क्या किया, क्या इतनी जिंदगी भर तूने क्या किया। बार बार ये कल की बात याद करा करके तुम पूरे परिवार की आज और प्रेजेंट सब कुछ बिगाड़ के ख़त्म कर देते हो। पहला पण मैं तुमने कीधुँ ना, आजे पण तुमने फरी वार कीधुँ छूँ, बहु दूर रहेला तमारी नजीक आवे ये तमारी ताकत नथी। तमारी नजीक वाला कायम नजीक रहे ये तमारी मोटा मोटी ताकत है। फरी वार कही दू, डायरी में लखो तो लखी नाखो, दूर वाला नजीक आवी जाए ये तमारी ताकत नथी, पर तमारी नजीक वाला जिंदगी भर तक तमारी नजीक रहे तमारी बहु मोटी ताकत है। Forgive yesterday. તમારી ઉંમરના બાળકોને હું પણ જ્યારે રમતા હતા ને ત્યારે ગિલ્લી ડંડા રમે ને ત્યારે ગિલ્લી ઘૂમતા હતો, એક શબ્દ હતો નહીં ગિલ્લીને આદાવ, છોડો કલ કી બાત જો કુછ ભી હુઆ થા, ઓર ઉનકો લેકર કે એક લાસ્ટ આપકો મહત્વપૂર્ણ બાત બતાના ચાહતા હું, મેરે નેચર કો મેં ચેક કરના ચાહુંગા। परिवार में यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उनसे बात कर लो। मैं आपको एक स्लोगन देना चाहता हूँ, परिवार में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, जो कुछ भी है, परिवार में आपको यदि किसी एक से शिकायत है तो उनसे बात कर लो। और यदि आपको अधिकतर से शिकायत है तो खुद से बात कर लो। रिपीट करना चाहूँगा, यदि आपको परिवार में किसी एक से शिकायत है तो उनसे बात कर लो, मग अधिकतर मेंबर के साथ आपको शिकायत हो फिर खुद से बात कर लो, फिर गलती आपकी होगी। परिवार को एकना माटे फरियाद हो तो इन्हें बात करो, परिवार ना बद्दा सभ्यों माटे तुमने फरियाद हो तो पछी तमारी जात साथे बात करो कि तमें क्या खोटा ने क्या खरा पड़ी रहा जो आखो परिवार तमने चाहतो नथी, यू आर इन फॉल्ट। एक व्यक्ति तमने न चाहे तो समझी सके कि एनी भूल छे, बधा तमने नथी चाहता, 100% यू आर इन फॉल्ट। तमें चाहूंगा मेरी आंखों के सामने आज ऐसा करीबन 50 परिवार है जो 6 कंडीशन में 100 में से 100% है। फिनिश फाइट, फाइन एटीट्यूड, फ्रीक्वेंटली मोटिवेट, फील इम्पोर्टेंस, फॉरवर्ड लव एंड फॉरगिव यस्टरडे। यदि ये चीज मेरे पास आपके पास, मैं भी मैं फैमिली लेके बैठा हूँ, 5 साधु, 10 साधु, 12, 20 और कच्छा दिव्य राजेंद्र में वो फैमिली लेके बैठे 650। कॉरपोरेट जगत भी हमारे सामने चूक जाता है कि कैसे ये समुदाय चलता है, मगर ये छी चीज आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं प्लस माइनस करके सबको बिठा देते। हाँ, और आपके पास वो एटीट्यूड चाहिए। कई लोगों के पास तो ऐसी विचित्रता होती है, मेहमान आए थे घर में, बाप ने बेटे को बोला बेटा क्रिकेट खेलता है, बोला बेटे ये यहाँ आया, जोर से चाटा मार दिया जा। मेहमान नहीं समझ पाए क्या हो गया, क्या खेलते हुए बेटे को बुला दिया, चाटा मार दिया, जा अभी खेल क्या है, वो चिप लड़का तो गया। तब वो मेहमान ने पूछा यजमान को, ये बेटे को मारा क्यों? उनके एग्जाम का कल रिजल्ट है, माने फेल होने वाला है, रिजल्ट आए भी ना, मैं इनको जानता हूं,
100% फेल। कब रिजल्ट है? कल। तो आज क्यों मारा? आज मैं बम्बई जाता हूँ इसलिए एडवांस मार दिया। अभी ऐसा बाप का बेटा कभी रहेगा? फेल का रिजल्ट देखे बिना एडवांस में जो बाप चाटा मार देता है, वो बाप बोलेगा ये बेटा मेरा है, छोड़ दो ये सब बात, आटली नानकड़ी बात तमने करी, परिवार बचाओ। अरे परिवार बचे छे, परिवार कहूँ શરીર જોયું છે, આ શરીરમાં હૃદય નીચે છે, મગજ ઉપર છે, ફિઝિકલ યે વ્યવસ્થા હૈ, હાર્ટ ડાબી બાજુ, મગજ અહીંયા, શરીરને બચાવવું હોય હૃદય નીચે જોઈએ, મગજ ઉપર જોઈએ, સંબંધ બચાવવા હોય તો બુદ્ધિ નીચે જોઈએ, લાગણી ઉપર જોઈએ। ये है रिलेशन का मैथमेटिक्स। जहाँ आपका माइंड नीचे हो, जहाँ आपका हार्ट ऊपर हो, वो फैमिली फर्स्ट रैंक नंबर एक पे, एक्सेलेंट फैमिली में इनका नंबर आ सकता है।